आज हम लोग क्लास 7 जीके पढ़ेंगे बाय होम दी स्तूप ऑफ सांची वाज कंस्ट्रक्टेड। सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अशोक। बाय होम दी स्तूप ऑफ भरहुत वाज कंस्ट्रक्टेड। भरहुत स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अशोक। बाय होम एंड हियर दी फोर लायन हेड पिलर वाज कंस्ट्रक्टेड। चार सिंहों से युक्त स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा और कहाँ किया गया? अशोक के द्वारा सारनाथ में। हु डिड गिव द लेसन्स ऑफ बुद्धिज्म टू अशोका। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया? फेमस मॉन्क ऑफ दिस टाइम उपगुप्त। उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने। हु वाज द इंचार्ज ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। मौर्य शासन काल में जिला का प्रमुख कौन होता था? स्थानिक। हु वाज द इंचार्ज ऑफ ए विलेज ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। मौर्यन शासन काल में गांव का प्रमुख कौन होता था? गोपा। व्हाट नेम वाज गिवन टू द मेयर ऑफ द सिटी ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। मौर्यन युग के दौरान शहर में मेयर को क्या कहा जाता था? नागरिका। फ्रॉम विच सोर्स वी आर एबल टू नो ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अशोक। अशोक के बारे में हम ढेर सारी सूचना किस स्रोत से जानते हैं? इंस्क्रिप्शन, शिलालेखों से। इन विच स्क्रिप्ट द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका बियर इंग्रेव्ड। अशोक के शिलालेख पर जो लिपि लिखी गई है वह किस भाषा में है? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एंड अरमाइक। इंटू हाउ मेनी पार्ट्स द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक आर डिवाइडेड। कितने हिस्सों में अशोक के शिलालेख को बांटा गया है? थ्री पार्ट्स, तीन हिस्सों में। रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, केव एडिक्ट्स। कुछ लेख चट्टानों पर लिखे गए हैं, कुछ पत्थर के खम्भों पर और कुछ गुफाओं की दीवारों पर। व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम अशोकाज रॉक एडिक्ट्स। चट्टान पर जो शिलालेख मिलते हैं उसमें हम अशोक के बारे में क्या सूचना पाते हैं? इट एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एथिक्स। इसमें अशोक के समय का प्रशासन और उस समय की धार्मिक सामाजिक घटनाओं का विवरण मिलता है। व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम अशोकाज माइनर रॉक एडिक्ट्स। अशोक के सामान्य जो अभिलेख हैं चट्टानों पर उससे हम क्या सूचना पाते हैं? इट एक्सप्लेन द पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोक एंड समरी ऑफ धम्म। इसमें अशोक के व्यक्तिगत इतिहास का वर्णन मिलता है और धम्म की जानकारी मिलती है। हु वाज मिनेंडर मिलिंदा। मिनेंडर कौन था? ही वाज द मोस्ट फेमस ऑफ द इंडो बैक्टीरियन रूलर्स। वह इंडो बैक्टीरियन शासकों में सबसे मशहूर था। हियर वाज मिनेंडर्स कैपिटल। मिनेंडर की राजधानी कहाँ थी? सकाला, या इसे सियालकोट भी कहते हैं। विच रिलीजन डिड मिनेंडर इम्ब्रेस। कौन से धर्म को मिनेंडर ने स्वीकार किया? बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म को। बुद्धिस्ट कॉल्ड हिम मिलिंदा। बौद्ध धर्म के लोग उसे मिलिंद कहते थे। हु वाज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ शक डायनेस्टी। शक वंश का सबसे मशहूर राजा कौन था? रुद्र दमन। हियर वाज द कैपिटल ऑफ द वेस्टर्न साकाज। पश्चिमी शकों की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। हु वाज द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ कुषाण। कुषाण वंश का पहला महान शासक कौन था?
काजुला कडफिशेस हु वाज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट फेमस किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का सबसे महान और सबसे अधिक मशहूर राजा कौन था? कनिष्क, विच सिटी डिड कनिष्का बिल्ड इन काश्मीर, कौन से शहर को कश्मीर में कनिष्क ने बसाया था? कनिष्कपुरा, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ कनिष्क, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, या इसे पेशावर भी कहा जाता है। अंडर हुज इन्फ्लुएंस डिड कनिष्क इम्ब्रेस बुद्धिज्म, किसके प्रभाव में आकर कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? बुद्धिस्ट मॉन्क अशुघोष, बौद्ध भिक्षु अशुघोष से कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। एट विच प्लेस एंड ड्यूरिंग हुज रीजन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड, किस जगह पर चौथी बौद्ध सभा आयोजित हुई थी और किसके शासनकाल में? कश्मीर में कुंडल वन में यह सभा आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल के दौरान। हु डिड प्रिसाइड ओवर द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुंडल वन, कुंडल वन में चौथी बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र। एट विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म स्प्लिट अप इंटू टू पार्ट्स, कौन सी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गया? एट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल चौथी बौद्ध सभा में बुद्धिज्म यह दो हिस्सों में बट गया, महायान और हीनयान में। ऑफ विच बुद्धिस्ट सेक्ट कनिष्क वाज दी फॉलोअर, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाला था? महायान। हु बियर द ग्रेट स्कॉलर ऑफ लिटरेचर इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क, कनिष्क के दरबार में मशहूर विद्वान साहित्य का कौन था? अशुघोष और वसुमित्र। हु बियर द फेमस पर्सन इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क, कनिष्क के दरबार के मशहूर व्यक्ति कौन थे? नागार्जुन, अशुघोष, वसुमित्र और चरक। व्हाट वाज नागार्जुन, नागार्जुन क्या था? ही वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर, वह महान वैज्ञानिक और दार्शनिक था। हु इज नोन एज आइंस्टीन ऑफ इंडिया, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। हु रोट दी फेमस बुक माध्यमिक सूत्र, मशहूर किताब माध्यमिक सूत्र किसने लिखा? नागार्जुन ने। हु वाज चरक, चरक कौन था? चरक वाज ए फेमस आयुर्वेदिक फिजिशियन, चरक एक मशहूर वैद्य या चिकित्सक था। हु रोट दी फेमस बुक चरक संहिता, चरक संहिता जो औषधि विज्ञान की प्रमुख किताब है, इसको किसने लिखा था? चरक ने। हु एंड वेन स्टार्टेड द शक एरा, शक संवत किसने शुरू किया था, जो पुराने समय का वार्षिक कैलेंडर है? कनिष्क ने 78 एडी में। एट विच प्लेस द हेडलेस ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ कनिष्क हैज बीन फाउंड, किस जगह पर बिना सिर का अर्थात सिर विहीन कनिष्क की कांसे की मूर्ति पाई गई है? मथुरा में। विच वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज ड्यूरिंग कुषाण पीरियड, कुषाण शासनकाल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन थे? मथुरा, तक्षशिला और उज्जैन। When did कनिष्क डाई, कनिष्क कब मरा था? 102 एडी में। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ श्रीगुप्त, श्रीगुप्त की राजधानी कहाँ थी? श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। टू हुम चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज मैरिड, चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी किससे हुई थी? ही मैरिड ए
प्रिंसेस कुमारी देवी ऑफ लिच्छवी रिपब्लिक वैशाली। उसकी शादी वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र की राजकुमारी कुमारी देवी से हुई थी। विच सिटी चंद्रगुप्त फर्स्ट गॉट इन डाउरी बाई मैरिंग लिच्छवी प्रिंसेस। लिच्छवी राजकुमारी से शादी करने के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट को कौन सा शहर दहेज में मिला था? पाटलिपुत्र। हु स्टार्टेड द गुप्ता एरा। गुप्त वंश का शासनकाल कब शुरू हुआ? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 320 एडी में शुरू किया। इन इंडियन हिस्ट्री हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारतीय इतिहास में भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। विच गुप्ता रूलर वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन एंड एन एक्सपर्ट प्लेयर ऑन वीणा। गुप्त वंश का महान संगीतकार कौन राजा था जो वीणा भी बजाता था? समुद्रगुप्त। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की विजय की सूचना बताने वाला मुख्य स्रोत क्या है? इंस्क्रिप्शन इनग्रेव्ड ऑन ए पिलर ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद के अशोक के बनाए हुए स्तंभ पर समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी दिया गया है। हियर हैज बीन दिस इनग्रेव्ड पिलर केप्ट। इस शिलालेख को कहाँ रखा गया है? द इनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन ऑन ए पिलर ऑफ अशोका हैज बीन केप्ट इन इलाहाबाद फोर्ट। इस शिलालेख को इलाहाबाद किले में रखा गया है। Who authored the inscription engraved on the pillar of Allahabad? किसने इलाहाबाद के स्तंभ पर अपने इलाहाबाद के स्तंभ पर जो शिलालेख हैं वह किसके द्वारा लिखे गए हैं? हरिसेन के द्वारा। Who was हरिसेन? हरिसेन कौन था? ए कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इन विच लैंग्वेज द इंस्क्रिप्शन आर इनग्रेव्ड एज अलाहाबाद पिलर्स। अलाहाबाद स्तंभ पर कौन सी भाषा में शिलालेख लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। हु बियर द गैलेक्सी ऑफ स्कॉलर्स इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रमुख विद्वान कौन थे? हरिसेन, वासुबंधु और असंग। समुद्रगुप्त वाज द फॉलोअर ऑफ विच रिलीजन। समुद्रगुप्त किस धर्म को मानता था? ही वाज ए स्टॉन्च हिंदू एंड वर्शिप ऑफ विष्णु। वह कट्टर हिंदू था और विष्णु की पूजा करता था। थैंक्स।